हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रेम प्रकाश प्रभाकर। अनोखी पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी 9th क्लास विज्ञान अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ। तो पिछले क्लास में हमने लेक्चर क्लास लिया था जिसमें बहुत सारी बातें इस चैप्टर के संदर्भ में बताई गई थी। तो आज हम लोग पेज का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं पेज नंबर 4 का क्वेश्चन। पृष्ठ नंबर 4 पे क्वेश्चन दिए गए हैं, दो क्वेश्चन है जो मौखिक रूप में ही हम लोग समझेंगे। आप लोगों को लिखना होगा तो वीडियो देख के उसे पॉज करके देखिएगा, वैसे सुन लेने से ही आप अपनी भाषा में बेहतर रूप से इसका आंसर लिख पाएंगे। तो लिखने में ज़्यादा समय व्यर्थ होगा इसलिए हमने सामने बुक रख लिया है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से पदार्थ हैं, मतलब कुछ पदार्थ का नाम दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ है। पदार्थ है, कुछ नाम दिया है, कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, शीतल पेय, इत्र की सुगंध। तो हम जानते हैं कि पदार्थ उसे हम कहते हैं जो कणों का बना हो, जिसे छुआ जा सके, महसूस किया जा सके और जो विरोध करता हो। तो पदार्थ कौन कौन से हैं, तो इसमें कुर्सी पदार्थ है क्योंकि ये विरोध करती है, इसे हम छू सकते हैं। वायु भी पदार्थ है क्योंकि यह सूक्ष्म कणों का बना है। स्नेह, ये स्नेह जो है ये भाववाचक संज्ञा है तो ये पदार्थ नहीं है। गंध, गंध भी सूक्ष्म कणों से बना होता है तभी हमारे नाक में पहुंचकर महसूस कराता है। फिर है घृणा, ये भी पदार्थ नहीं है। इसके बाद है बादाम, ये पदार्थ है। इसके बाद है विचार, विचार तो विचार है, ये पदार्थ नहीं है। शीत, है शीतल पेय, शीतल पेय। इसके बाद है इत्र की सुगंध, इत्र की सुगंध। इसमें बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं तो ये हमें महसूस कराते हैं। तो पहला क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। ये हमेशा हम महसूस करते हैं कि जब गर्मा गर्म खाना बनता है, कहीं कुछ बनने लगता है तो हमें महसूस हो जाता है कि हाँ इधर कुछ बढ़िया बन रहा है, और वही खाना जब ठंडा हो जाता है तो पता नहीं चलता है। तो इसका कारण ये है कि गर्मा गर्म खाने में जो कण हैं वो तीव्र गति में होते हैं, उनमें ऊर्जा अधिक होती है और वो वायु में विसरित होते हुए हमारी नाक तक पहुंचते हैं और हमें महसूस होता है कि कुछ सुगंधित या बढ़िया पौष्टिक चीज कहीं बन रहा है। इसका मुख्य कारण है अणुओं की गति जो बढ़ जाती है गर्मी से, और वो वायु में विसरण होकर विसरित होकर उसे अपना माध्यम बनाते हुए हमारे नाक तक पहुँच जाते हैं। जबकि ठंडे खाने के कण जो हैं, ठंडे के कारण उसमें कम ऊर्जा होती है और वो उस खाने से निकलकर वायु में विसरित नहीं हो पाते हैं। तो यही है दूसरा क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए आगे देखते हैं किस पेज पे क्वेश्चन है। अभी इस पर है तीसरा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेषित होता है। स्विमिंग पूल अर्थात तैरने वाले स्थान में पानी में जब गोताखोर तैरता है तो पानी को हटा देता है। इसमें कह रहा है कि पानी का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। तो स्पष्ट है कि पानी के जो कण हैं वो उनमें अंतर आणविक आकर्षण बल कम होता है और गोताखोर अपने हाथ से उनके कणों को अलग कर पाने में सक्षम हो जाता है, इसलिए वो आसानी से पानी को अपने हाथों से काट पाता है। तो इसका मूल कारण है कि पानी के अंतर आणविक आकर्षण बल कमजोर होते हैं,
द्रव के कारण इसलिए एक बूंद को पानी को अलग अलग करने में सफल हो पाता है। तीसरा क्वेश्चन है, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं हैं? तो पदार्थ के कण की विशेषताएं हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण जो हैं हमेशा गतिशील होते हैं। पदार्थ के कणों में अंतर आणविक आकर्षण बल होता है। अंतर आणविक आकर्षण बल होता है और इन कणों के बीच अंतर आणविक स्थान भी होता है। इनके कणों के बीच अंतर आणविक स्थान होता है और ये जो कण हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इनमें अंतर आणविक स्थान भी होते हैं जो इनके जो पदार्थ है इनकी अवस्थाओं के ऊपर निर्भर करता है। किसी में कम, किसी में ज़्यादा, किसी में बहुत ज़्यादा, तो ये अवस्था के ऊपर है, लेकिन ये सभी इनमें मौजूद होते हैं।